एक और हफ्ता रुबीना पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे रुबीना के साथ जो चीजें अनफोल्ड हो रही हैं उसके बाद रुबीना की मेंटल पीस खराब हो रही है। तो एक तरफ जहां वो साइकेट्रिस्ट की डिमांड कर रही है कि घर के अंदर साइकेट्रिस्ट भेजा जाए, शी नीड्स अ साइकेट्रिस्ट, वहीं दूसरी तरफ वो ये बोलती हुई भी नजर आई थी कि 15 दिन ही हैं बस, मेरी यही लास्ट हो गई, यानी कि शी इज डन विद ऑल दैट इज गोइंग इनसाइड द हाउस। क्योंकि क्लियरली दिखता है कि रुबीना को हर चीज में टारगेट किया जाता है। दोस्ती है तो रुबीना को टारगेट करो, दुश्मनी है तो रुबीना को टारगेट करो, दोस्त को समझाया नहीं तो रुबीना को बोला जाएगा, दोस्त को समझाया तो क्यों समझाया रुबीना को बोला जाएगा, और ऐसे हर तरह से हर चीज में रुबीना रुबीना आ ही जाती है। ऐसे में वीकेंड के वार पर रुबीना यही सोच रही हैं, यही डर रही हैं कि एक बार फिर से उनको बैशिंग मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने राखी सावंत पर पानी फेंक दिया और एक बार फिर से उन्हें बातें सुनाई जाएंगे। तो जिसके बाद रुबीना ये बोलती हुई नजर आई कि मैं वीकेंड के वार के बारे में टेंस रू, लेकिन मेरे पास बस यही होप है दैट देर आर ओनली 15 डेज टू गो, यानी कि सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, कैसे भी मुझे ये 2 हफ्ते काटने हैं, देन आई हैव माई इंडिपेंडेंस, देन आई हैव माई फ्रीडम। भाई इतने दिनों से घर में बंद है और लगातार टारगेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही है, और इसके बाद वो अपने आप को बस इसी उम्मीद से जो है जिंदा रखे हुए हैं, स्ट्रांग रखे हुए हैं दैट दीज आर ओनली जस्ट 15 डेज एंड इसके बाद शील हैव हर फ्रीडम। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे रुबीना की डिटर्मिनेशन के बारे में आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, हर कोई आपको टारगेट कर रहा है, एक दिन ऐसा नहीं निकलता है कि शांति से आपके लिए चला जाए, और हर रोज आपको किसी ना किसी की लड़ाई में खड़े ही होना पड़ता है, फेस ही करना पड़ता है किसी को, उसके बाद वीकेंड के बाद पर आपको उसके लिए बैशिंग भी मिलती है, कई बार ऐसे मुद्दों पर भी मिल जाती है जो मुद्दे भी नहीं होते हैं, तो भाई किसी की भी हिम्मत जवाब दे दे। तो क्या कहना चाहेंगे आप रुबीना के बारे में, आज ही कॉमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, लगातार हमारे साथ जुड़े भी रहिए, क्योंकि और भी ऐसी खबरें मिलनी है तो मुझे बोलना ना पड़े, भाई आपको जुड़े रहना है हमारे साथ।